केजरीवाल का दिया साथ, कांग्रेस हो गई बर्बाद। 6 कांग्रेस विधायक चले गए मोदी के साथ। दिल्ली में होगा खेला, हिमाचल में गिरेगी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। जिस केजरीवाल को बैठकर कांग्रेसी दिन रात कोसते थे, आज वही कांग्रेस थूक कर चाटने में लगी हुई है। केजरीवाल को जेल से बचाने के लिए घड़ियालियां आंसू बहा रही है, सड़कों पर लेट लेट कर प्रदर्शन में शामिल होकर माहौल बना रही है। अब यही माहौल बनाना राहुल गांधी को ले डूबा है। राहुल गांधी दिल्ली में केजरीवाल को बचाने में बिजी रहे और हिमाचल में कांग्रेस के साथ खेल नहीं बल्कि धमाकेदार खेल हो गया। हिमाचल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के कारण अयोग्य ठहराए गए 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने वालों में सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र राणा, इंद्र दत्त लखन पाल, चैतन्य शर्मा, देवेंद्र कुमार भुट्टो शामिल हैं। 3 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म जल्द ही देखने को मिलेगी जब तमाम कांग्रेस के नेता मोदी का हाथ पकड़ेंगे, क्योंकि खबर है कि हिमाचल में बढ़ते राजनीतिक संकट के बीच कई पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, यह आशंका तेजी से जताई जा रही है। इसी के साथ एक और धमाकेदार खुलासा ये भी हो रहा है कि बीजेपी में जाने वाले 6 विधायक अब बीजेपी के ही टिकट पर यहां से उपचुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी में शामिल होते ही बागी विधायकों ने कांग्रेस की पोल खोल दी है। बताया है कि कैसे साजिश के तहत कांग्रेस ने उनके खिलाफ रणनीति बनाई, लेकिन अपनी रणनीति में अब कांग्रेस खुद ही फंसने वाली है। कहा कि हमने हिमाचलियत के लिए और अपने जितना भी हमें बजट आना है केंद्र से और हमारे अलग अलग विभागों से आना है, हिमाचल में 90% बजट हमारा केंद्र से आता है, इसलिए हमने वोटिंग करा। और लाहौल स्पीति के लिए खासतौर से हमने वोट करा कि वहाँ अनदेखी ना हो, और हर्ष महाजन जी ने हमें ये विश्वास दिलाया था कि हम जितना भी बजट है वो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, इसलिए हमने वोट करा था। मगर दुर्भाग्यपूर्ण और दुख की बात यह है कि हमें अध्यक्ष ने बिना किसी कारण नोटिस दिए एकदम निष्कासित किया, जबकि हजारों लाखों लोगों के अरमान जुड़े हुए थे, उन्होंने हमें चुना था 5 साल के लिए, हमें निष्कासित किया गया। और उस पर आरोप ये लगाया उन्होंने, गलत आरोप, कि हमने दल बदला, जबकि ना हमने कहीं सदस्यता ग्रहण की थी, ना ही हमने कहीं पे किसी मंच पे किसी बड़े नेता ने हमें शामिल किया था, ना ही हमने खुद अनाउंस किया था। और दूसरा आरोप ये लगाया कि हम दोनों दिन वहाँ पर नहीं थे विधानसभा में, जबकि हम दोनों दिन हमारे हस्ताक्षर है और हमारे वहाँ पर हाजिरी लगी हुई है। कहा कि हमने हिमाचलियत के लिए और अपने जितना भी हमें बजट आना है केंद्र से और हमारे अलग अलग विभागों से आना है, हिमाचल में 90% बजट हमारा केंद्र से आता है, इसलिए हमने वोटिंग करा। और लाहौल स्पीति के लिए खासतौर से हमने वोट करा कि वहाँ अनदेखी ना हो, और हर्ष महाजन जी ने हमें ये विश्वास दिलाया था कि हम जितना भी बजट है वो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, इसलिए हमने वोट करा था। मगर दुर्भाग्यपूर्ण और दुख की बात यह है कि हमें अध्यक्ष ने बिना किसी कारण नोटिस दिए एकदम निष्कासित किया, जबकि हजारों लाखों लोगों के अरमान जुड़े हुए थे, उन्होंने हमें चुना था 5 साल के लिए, हमें निष्कासित किया गया। और उस पर आरोप ये लगाया उन्होंने, गलत आरोप, कि हमने दल बदला, जबकि ना हमने कहीं सदस्यता ग्रहण की थी, ना ही हमने कहीं पे किसी मंच पे किसी बड़े नेता ने हमें शामिल किया था, ना ही हमने खुद अनाउंस किया था। और दूसरा आरोप ये लगाया कि हम दोनों दिन वहाँ पर नहीं थे विधानसभा में, जबकि हम दोनों दिन हमारे हस्ताक्षर है और हमारे वहाँ पे हाजिरी लगी हुई है। सिर्फ कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नए नवेले बीजेपी नेता ही कांग्रेस के चिट्ठे नहीं खोल रहे हैं, बल्कि निर्दलीय विधायकों ने भी भविष्यवाणी तक कर डाली है कि हिमाचल की स्थिति काफी गंभीर है। यहाँ कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ तानाशाही दिखा रही है, जिससे कांग्रेस सरकार कभी भी गिर सकती है। देखिए, जो हिमाचल के हालात है इस वक्त बहुत ही खराब है, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे कानून की स्थिति हो, चाहे कोई भी स्थिति हो। इस वक्त हिमाचल में जो है, जब से इलेक्शन हुए राज्यसभा के, हम निर्दलीय को हमारा अधिकार था वोट देने का, हमने जब हमारा वोट दिया उसके बाद से जो कांग्रेस जो सीट हारी और उन्होंने एक बदले की भावना से कार्य शुरू कर दिए। MLAs के ऊपर, उनके परिवारों के ऊपर जो है झूठे आरोप और FIRs लॉन्च करना शुरू कर दी, तो ये जो है ये ठीक नहीं है किसी भी लोकतंत्र के लिए। अगर विधायक और उसके परिवार सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित होगी।
और डेवलपमेंट के काम पिछले 15 महीनों से बिल्कुल रुके पड़े हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा है और बिल्कुल स्थिति जो है इस वक्त हिमाचल की बहुत खराब है। और इसीलिए ये कारण है जिसके कारण हमने जो है अपने आप निर्णय लिया, आज से पहले इतिहास में कभी किसी निर्दलीय ने इस्तीफा नहीं दिया और यहाँ 3 निर्दलीयों ने अपने मन से अपने कॉन्शियस से जो है हमने इस्तीफा दिया। सर क्या लगता है हिमाचल की सरकार अब गिर जाएगी? बिल्कुल जी, ये वेंटिलेटर पे किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, हम नहीं कह सकते, लेकिन जो स्थिति है इस वक्त जो है बहुत हालात जो है बहुत खराब है। जैसे ही 6 विधायकों के बीजेपी में जाने की खबर आई, कांग्रेस में मानो हड़कंप ही मच गया। कांग्रेसी मंत्री राजेश धर्माणी बौखलाते हुए निकल गए। तंज कसते हुए आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी धनबल और ईडी सीबीआई के जरिए नेताओं को तोड़ने का काम कर रही है। देखिए, हम पहले से ही आरोप लगा रहे थे कि ये जो राज्यसभा की सीट जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से गलत और अनैतिक हथकंडे अपनाए, आज इस बात से ये प्रमाणित हो गया जब भारतीय जनता पार्टी में ये विधायक शामिल हुए कि हमारे आरोप सही थे। भारतीय जनता पार्टी ने धन बल और ईडी सीबीआई के सहारे जो है पूरे हिंदुस्तान में सत्ता हथियाने का जो एक कार्यक्रम चलाया है, ये लोकतंत्र के मूल्यों के विरुद्ध है और इससे जो हमारी समाज के ऊपर जो है गलत असर पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता हथियाने के लिए जो है किसी भी हद तक जा सकती है, इससे ये साबित होता है। स्वागत कार्यक्रम किए जा रहे हैं, दिल्ली में ज्वाइनिंग हुई है, आज शिमला में जो स्वागत किया जाएगा, बताया जा रहा है इन सभी को बाय इलेक्शन में बीजेपी उतारेगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से विस्फोट होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी तो राष्ट्रीय स्तर पे पहले ही भरी हुई है, ऐसे में अगर छत पे बिठाने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी के पलटने का खतरा है। तो अब हालातों से दिखाई दे रहा है कि हिमाचल में कांग्रेस ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है, आंकड़े बताएंगे। उससे पहले 6 विधायकों के साथ कांग्रेस ने कैसे खेल कर दिया, पहले ये जान लीजिए। हुआ ये कि राज्यसभा चुनाव के दौरान बागी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, कांग्रेस इन विधायकों के खिलाफ कोर्ट पहुंच गई और स्पीकर ने भी इन्हें अयोग्य ठहरा दिया। उसके बाद सभी विधायकों को कोर्ट ने भी अयोग्य घोषित कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस का ये दाव उस पर ही महंगा पड़ता नजर आ रहा है। हाथ से सत्ता भी जाएगी, सुक्खू अब ज्यादा दिन के मुख्यमंत्री नहीं बचेंगे। कैसे खतरे में पड़ी सुक्खू की कुर्सी? 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से परेशानी बढ़ी है। बीजेपी उपचुनाव में जीत के साथ उनकी सरकार को गिराने की फिराक में है। उपचुनाव में अगर बीजेपी जीत जाती है तो सुक्खू के पास विधायकों की संख्या कम हो जाएगी। 6 विधायकों को अयोग्यता के बाद 62 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस सदस्यों की संख्या 39 से कम होकर 33 रह गई है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या मूल रूप से 68 सदस्य ही है, बीजेपी के पास 25 विधायक हैं। तो ऐसे में अभी कांग्रेस पर संकट मंडरा रहा है। अगर उपचुनाव में ये सीट बीजेपी ले जाती है और कांग्रेस के और भी विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं जैसे कि अभी कयास लगाए जा रहे हैं, तो खेल हो सकता है। सत्ता परिवर्तन के डर से ही कांग्रेस नेता बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। खैर आगे आगे देखिए, जल्द हिमाचल से बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है और सुक्खू की कुर्सी भी हिल सकती है। तो इसको लेकर दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ गया है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।